नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 मई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी जारी। बिहार में कोविड 19 का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन चौथे अपडेट तक 46 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद बिहार में मरीजों का आंकड़ा 999 हो गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। वहीं प्रभावित लोगों के जिले में संख्या की बात करें तो खगड़िया में 6, पूर्णिया में 8, भागलपुर में 1, मुजफ्फरपुर में 3, बांका में 3, नवादा में 1, जहानाबाद में 5, नालंदा में 3, शेखपुरा में 2, लखीसराय में 6, भोजपुर में 1, रोहतास में 2, वैशाली में 2, सुपौल में 2, किशनगंज में 1 मामला सामने आया है। बिहार के लिए चुनौती बने प्रवासी मजदूर। कोविड 19 वर्तमान समय में बिहार में पूरी तरीके से अपनी चपेट बना चुका है। राज्य में सभी 38 जिलों कोविड 19 से प्रभावित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 950 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे बड़ा कारण प्रवासी मजदूरों का राज्य में वापस लौटना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में वापस आने वाले सभी मजदूरों की हर स्तर से स्वास्थ्य परीक्षण की जा रही है और डॉक्टरों के अनुसार परिस्थिति देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी की करने का आदेश भी जारी कर दिया है, क्योंकि 9 दिन में कोविड 19 से प्रभावितों की संख्या 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। बिहार के एक IAS ऑफिसर में भी निकला कोविड 19 पॉजिटिव। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के आने के बाद मामलों ने अपनी अलग रफ्तार पकड़ ली है। इसी क्रम में बिहार के एक IAS में भी कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है। खबरों की माने तो बिहार के नालंदा में एक IAS ऑफिसर में कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए की जानकारी के बाद नवादा के हिलसा अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर तैनात एक IAS अधिकारी को कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद हिलसा अनुमंडल में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर कोविड 19 IAS ऑफिसर तक पहुंचा कैसे। BPSC ने सभी अभ्यर्थियों के लिए जारी किए फोन नंबर। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं छात्रों की समस्या को देखते हुए BPSC में सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए फोन नंबर जारी किया है। BPSC द्वारा आयोजित किए गए परीक्षा से जुड़ी समस्या का समाधान के लिए फोन नंबर पर कॉल करके पता लगा सकते हैं, जिसके तहत अब सभी अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन, परीक्षा पर प्रकाशन के संबंध में या फिर किसी भी जानकारी के लिए 0612-223-7999 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में परीक्षा शुल्क देने के लिए या अन्य तकनीकी समस्या निदान के लिए 0612-221-5795 या मोबाइल नंबर 9297739013 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को किया फिक्स। बिहार में पेट्रोल डीजल का टैक्स फिक्स कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं की तुलना में सरकार को ज्यादा फायदा होगा। बिहार सरकार ने अपने राजस्व को बचाने के लिए वैट कानून में संशोधन किया है। संशोधन होने से पेट्रोल डीजल पर वैट की गणना प्रतिशत के साथ फिक्स्ड दर भी किया जाएगा। उसे रुपया में फिक्स होने के बाद प्रतिशत के आधार पर कम होने पर भी फिक्स कर में लोगों को वैट देना होगा। कोविड 19 के इस माहौल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के दाम में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका सीधा असर राज्य के राजस्व पर भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए यह साफ कहा है कि कुशल प्रवासी मजदूरों को शीघ्र रोजगार दिलाने की सुनिश्चित की जाए। इसके तहत उद्योग विभाग को आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस चुनौती का अवसर के रूप में लेते हुए स्वीकार करें और प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग के आधार पर औद्योगिक इकाइयों में रोजगार उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही उद्योग विभाग अन्य नए कार्य भी प्रारंभ करे, ताकि प्रवासी मजदूरों के स्थायी रोजगार को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड 19 के रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पदाधिकारियों को मुख्य रूप से 5 टास्क भी दिए हैं, जिस पर तत्परता से जांच करने का आदेश जारी किया गया है। BMP के जवानों को ड्यूटी पर नहीं किया जाएगा तैनात। बीते कई दिनों से BMP के जवानों में कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब बिहार के BMP के जवान बाहर ड्यूटी करने नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, बैरक में बाहरी लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। वेटनरी के पास BMP के 3 बटालियन एक ही परिसर में BMP के 14 से 19 जवानों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। प्रदेश में फंसे मजदूरों के गाने को कटिहार के युवक ने दी अपनी आवाज। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण पूरे देश में जारी बंद के बीच लोग घर में बंद हैं। वहीं दूसरे राज्य में दिहाड़ी पर काम कर रहे लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर का रास्ता तय कर रहे हैं। इसी बीच एक मजदूर का भावुक कर देने वाला गाना सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा था, जिसके बाद कटिहार के युवक ने भी इस गाने को अपनी आवाज दी है, जिसके बाद यह गाना और तेजी से ट्रेंड करने लगा है। इस गाने में कमाने खाने की जद्दोजहद में फंसे मजदूर का घर से परिवार दूर प्रदेश में फंसने का दर्द बयां किया गया है। मजदूर शिकायत नहीं कर रहा, बल्कि बस प्रार्थना कर रहा है कि सरकार उसे उसके घर पहुंचा दे, जिसके लिए सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि एक मजदूर का गीत ना गिला ना शिकायत ना याचना ना प्रार्थना, छोटी सी बात, बस घर पहुंचा दो। जब सहारे टूट जाते हैं तो बस अपना घर ही भरोसा दिलाता है। बिहार के किसान ने तैयार की नई तरह की आम की किस्म। वर्तमान समय में कोविड 19 की वजह से पूरे देश में बंद का माहौल है। इसी बीच आम के पेड़ों में फल खूबसूरती से दिखने लगे हैं। वहीं भागलपुर के एक किसान अशोक चौधरी ने अपनी एक नई किस्म की आम तैयार की है, जिसका नाम उन्होंने लॉकडाउन रखा है। अशोक चौधरी ने बताया है कि कोविड 19 के वॉरियर्स को सलाम करने के लिए आम का नाम लॉकडाउन रखा गया है।
दरभंगा एयरपोर्ट पर काम की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की उठी मांग। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने इंडियन एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिन इसकी जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट के काम को शुरू करवाने का आग्रह किया गया है। एक बार हम काम शुरू करेंगे तो अक्टूबर 2020 तक तमाम काम पूरा हो जाना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर काम बंद के कारण अस्थायी रूप से रोकने से पहले तेजी से चल रहा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंतरिम सिविल एन्क्लेव का निर्माण करवा रहा है, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। निखिल आनंद ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज में बिहार के लोगों का फायदा होने की कही बात। कोविड-19 के जारी समय में पूरे देश में बंद का माहौल है, अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से सड़क पर आ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते दिन 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिस पर बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि केंद्र के आर्थिक पैकेज से बिहार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस पैकेज से बिजली कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को लाभ मिलेगा, साथ ही एमएसएमई सेक्टर में जो 95,000 लोग काम कर रहे हैं उनको भी यह पैकेज फायदा पहुंचाएगा। बिहार में स्लो टेस्टिंग स्पीड पर प्रशांत किशोर ने की टिप्पणी। मशहूर राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने बिहार में स्लो टेस्टिंग स्पीड को देखते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इस माहौल में अपने उदासीन और संवेदनहीन नेतृत्व से देश भर स्तंभ कर देने वाले नीतीश सरकार के प्रयासों से बिहार में कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में भी देश के सभी राज्यों के मुकाबले सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। बिहार में प्रति 10 लाख टेस्टिंग की दर पर देश में 1410 के मुकाबले 330 है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने पहली दफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज नहीं कसा है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कोविड-19 के इस के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर काफी तंज कसे हैं। बिहार में 33,916 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी पेश की है, जिसके तहत बिहार सरकार ने माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए करीब 33,000 शिक्षकों के पदों पर बहाली की स्वीकृति दे दी है। खबरों की माने तो माध्यमिक विद्यालय में 32,916 शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर विषय में 1,000 पद पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को पत्र लिख दिया है। वहीं आपको बता दें, इन पदों पर नियोजन स्थापना कार्यालय में आधारभूत संरचना सुनिश्चित हो जाने तथा आवश्यक सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी। पटना में महिला आईपीएस की रसोईया मिली कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कोविड-19 से प्रभावितों में लगातार सुरक्षा कर्मियों के नाम आ रहे हैं। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद पटना की एक महिला आईपीएस की रसोई में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। सिर्फ आईपीएस अधिकारियों के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि बीएमपी के जवान भी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं खबरों की माने तो आईपीएस अधिकारी की रसोई बीएमपी 14 की कमांडेंट में कार्यरत थी। वहीं बीएमपी जवानों के लगातार कोविड-19 प्रभावित पाए जाने के बाद जांच में इसका खुलासा हुआ है। केंद्र के आर्थिक पैकेज का फायदा प्रवासी बिहारियों को मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 के लिए जारी किए गए आर्थिक पैकेज का लाभ अब बिहार वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। बिहार सरकार राशन कार्ड से वंचित प्रवासी मजदूरों को 10 किलो चावल और 2 किलो दाल प्रति परिवार के दर से देगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि केंद्रीय पैकेज का फायदा बिहार के प्रवासियों को मिलने वाला है। बिहार आ चुके 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के 2 महीने तक हर महीने अनाज दिया जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित पशुपालक मछुआरों और किसानों को विशेष मुहिम चलाकर का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स को भी 10,000 तक का ऋण देने का ऐलान जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में बारिश का जारी किया गया पूर्वानुमान। पटना समेत बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी, ऐसे में आम नागरिकों की गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो बिहार की राजधानी पटना के अलावा सारण, सिवान, रोहतास में बारिश होने की संभावना जारी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर में निम्न दबाव के 2 क्षेत्र बने हैं, जिसके कारण 16 मई की शाम तक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक ने बताया कि यदि तूफान विकसित हुआ तो 17 मई को उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर इसे उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। आज 28 ट्रेन से 37,000 आएंगे वापस। बिहार में प्रवासी मजदूरों की आवाजाही जारी है। वहीं आज 28 ट्रेनों से 37,000 बिहारी मजदूर वापस आएंगे। बिहार को प्रवासियों की वापसी के लिए 204 श्रमिक स्पेशल ट्रेन दी गई थी। अब रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इसमें 28 श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को पहुंचने वाली है। वहीं बिहार में प्रवासियों की वजह से कोविड-19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सभी स्टेशन पर नियमित रूप से और सख्ती से जांच कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही किसी को भी बिना जांच के स्टेशन से नहीं जाने की अनुमति दी है। बिहार में मछली की होगी होम डिलीवरी। बिहार में घर घर में मछलियों की सप्लाई की जाएगी। कृषि विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। बंद के बीच सामाजिक दूरी के नियमों को देखते हुए कृषि विभाग ने मछलियों की आपूर्ति करने का ऐलान जारी किया है। दरअसल मछली का उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। यहाँ करीब 2.25 करोड़ लोग सीधे तौर पर मछली के कारोबार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार में मछली की खपत ज्यादा है और इतनी ज्यादा है कि बिहार में हर साल करीब 2 लाख मैट्रिक टन मछली आंध्र प्रदेश से आयात करनी पड़ती है। ऐसे में बंद के कारण मछली की बिक्री ज्यादा नहीं हो पा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें, घर पर मछली पहुंचाने की योजना बिहार
राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के एमडी ऋषिकेश कश्यप ने शुरू की है। इसके साथ सभी ग्राहकों को अपने माध्यम से इसके लिए बस सभी ग्राहकों को ऐप के माध्यम से मछली का ऑर्डर देना होगा। ग्राहक ऐप पर जाकर कितनी भी मछलियों की जरूरत होगी उसे ऑर्डर करेंगे। इसके लिए ग्राहकों को जिंदा मछली घर पहुँचाई जाएगी। मदरसा के शिक्षकों को ईद से पहले मिलेगा वेतन। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ईद से पहले मदरसा शिक्षकों के वेतन के भुगतान को आदेश जारी किया गया था। खबरों की माने तो बैठक में शिवहर, सीतामढ़ी और मधेपुरा जिला को छोड़कर बाकी जिलों में मदरसा शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन इन बाकी जिलों के शिक्षकों का वेतन भी ईद के पहले देने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही सड़कों से उठे नियोजित शिक्षकों के फरवरी महीने के कार्यरत अवधि के वेतन के भुगतान की प्रक्रिया अभी आने वाले 3 दिनों में करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन पैकेज पर सियासत शुरू। कोविड 19 का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए बीते दिन आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार कांग्रेस ने इसे झांसा पैकेज बताया है, तो वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में भी बिहार के विकास के लिए 1.65 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि वह इस पैकेज पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें या उस पर अपना बयान भी जारी करें। आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त में निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और आम किसानों का रखा ध्यान। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां आर्थिक पैकेज के पहले किस्त का ऐलान करते हुए छोटे उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया था, वहीं दूसरे किस्त के ऐलान के दौरान निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और आम किसानों का खास ध्यान रखा है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने यह कहा है कि किसानों को 4.22 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए 3 वक्त का भोजन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाने के साथ 12,000 मास्क 3 करोड़ लोगों को बांटे जाने का भी ऐलान जारी किया है। सिर्फ प्रवासी मजदूरों और किसानों को ही नहीं, फेरी वालों को भी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए 1 महीने के अंदर स्पेशल लोन योजना लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा 50 लाख खेमचे वालों के जरिए 50 लाख का प्रस्ताव जारी किया जाएगा। शिखर धवन ने बताया कि इस बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी करने में आता है उन्हें मजा। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण पूरी दुनिया इस समय में घर पर रहने पर मजबूर है, वहीं सभी क्रिकेटर्स भी मैदान छोड़कर घर पर ही रह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ बीते दिन लाइव चैट के दौरान फैंस द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसके तहत उन्होंने बताया कि जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया था उस समय में महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान थे और अब जब मैं खेलता हूं तो विराट कोहली कप्तान के रूप में काम करते हैं, लेकिन मेरी नजर में धोनी बेस्ट है। उन्होंने बेस्ट बल्लेबाज का नाम लेते हुए यह बताया कि बेस्ट बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली का नाम सबसे सटीक बैठता है, क्योंकि मुझे उनके साथ ही खेलने में बहुत मजा आता है। विराट कोहली ने पिछले एक दशक में शानदार बल्लेबाजी करते हुए विश्व क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा भी मनवाया है। हालांकि रोहित शर्मा की तारीफ में भी उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने ICC वर्ल्ड कप 2019 में जबरदस्त परफॉर्मेंस में 5 सेंचुरी लगाई थी। ट्विटर ने कोविड 19 वॉरियर्स के लिए लॉन्च किया ग्रेटिट्यूड इमोजी। ट्विटर ने कोविड 19 वॉरियर्स के लिए ग्रेटिट्यूड इमोजी फीचर को लॉन्च किया है। इस इमोजी के जरिए यूजर्स इस माहौल में एप्लीकेशन और साइट पर सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इस ग्रेटिट्यूड इमोजी से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यूजर्स कोविड 19 वॉरियर्स को धन्यवाद कर सकते हैं। ट्विटर ने बताया कि उसके प्लेटफॉर्म से ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए 15 मार्च से लेकर अब तक यूजर्स ने 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ ट्वीट किए हैं और किए गए ट्वीट की संख्या में फरवरी के मुकाबले 26% में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके लिए आभार व्यक्त करते देखते हैं। आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म होगी ऑनलाइन रिलीज। आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो अब जल्द ही रिलीज होने वाली है। हालांकि कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण यह बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं होगी, लेकिन अब जो है यह फिल्म ऑनलाइन रिलीज होने वाली है। जानकारों की माने तो 12 जून को यह फिल्म अमेजॉन प्राइम पर रिलीज की जाएगी, जिसकी जानकारी अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना ने खुद सोशल मीडिया से शेयर किया है। आपको बता दें, गुलाबो सिताबो की राइटर जूही चतुर्वेदी ने लिखा है, जिन्होंने पहले विकी डोनर, पीकू और अक्टूबर जैसी फिल्में बनाई हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE स्कूल को दी 2 टूक नसीहत। कोविड 19 के रोकथाम के लिए लगाए गए बंद के बीच केंद्र सरकार ने CBSE को सलाह दी है कि वो 9वीं और 11वीं फेल छात्रों का ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लें, जिसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड 19 की वजह से मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE को यह सलाह दी गई है कि 9वीं और 11वीं के छात्रों को ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि कोविड 19 बिहार में बड़ी तेजी से फैल रहा है और आने वाले समय में इसके रुकने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं लग रही है। ऐसे में छात्रों की भलाई के लिए सभी स्कूल को यह कदम उठाना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू कुमार मंडल, प्रकाश कुमार, ज्योतिष यादव, सुरेश झा, राजू कुमार,
अखिलेश कुमार मंडल, अभिषेक कुमार पटेल, हरिराम सिंह, सुजीत कुमार, नीतीश कुमार, अमित कुमार, प्रिंस राजू, मिंटू सिंह, सागर कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कोविड 19 के चौथे लॉकडाउन फेज में आपके अनुसार आपके इलाके में किन किन क्षेत्रों में छूट की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।